लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के साथ में अब उनके परिजन भी चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुट गए हैं। अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला के साथ में उनकी पत्नी अमृता झुनझुनवाला ने भी प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। एवन टीवी से खास बातचीत में अमृता झुनझुनवाला ने कहा कि पहले व्यवसाय और राजनीति में भी वे अपने पति का पूरा सहयोग कर रही हैं और अब अजमेर के विकास को भी वे प्राथमिकता से लेकर आएंगी और उन्होंने कहा कि अजमेर में औद्योगिक क्रांति स्थापित करना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। अमृता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसारा ने। अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला जो कि अब लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, साथ ही उनकी फैमिली भी अब उनके चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। उनके जो वाइफ हैं वो हमारे साथ हैं। झुनझुनवाला जी, एक नए युवा राजनीति में आए हैं और जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है? जी देखिए, पहले तो जब आए तो काफ़ी लोग बाहरी और ये सब कह रहे थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान से ही है, भीलवाड़ा के लिए भी बहुत काम किया है, तो बहुत ही खुश है कि उनको अजमेर आने का मौका मिला, ऐसी गौरवपूर्ण जगह से लड़ने का मौका मिला और रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप देख रहे हैं, सबने बहुत अपनापन प्यार दिया है बहुत, और अब 29 तारीख को पता चलेगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं और आज वो भी पूरी तरह से प्रचार में जुट चुके हैं। 6 सभाएं आज उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में की हैं। जनता का पूरा आशीर्वाद और प्यार झुनझुनवाला जी को मिल रहा है, क्या वादों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी ऑफकोर्स, उन्होंने अपने मुद्दे सामने रखे हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं, और इंशाल्लाह जीतेंगे, रोजगार का मुद्दा रखा है सामने, यूथ को सामने लाने का मुद्दा रखा है, अजमेर में पानी की प्रॉब्लम ना हो, पानी की समस्या ना हो, ये सामने रखा है और रिस्पांस बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। पार्टी के सब लोग ने उन्हें बहुत समर्थन दिया है, अजमेर के लोगों ने बहुत समर्थन दिया है। इस लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा वोट बैंक है, आधी आबादी महिलाओं की है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कही है, क्या जनता महिलाओं का क्या रेस्पॉन्स है लोकसभा क्षेत्र में? महिलाएं जब आप देखेंगे यहाँ की जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, एकदम मिलजुट के इतने ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं, बल्कि उस मीटिंग में कहा भी गया था कि इतनी महिलाएं मीटिंग्स में आ रही हैं सामने, तो सामने दिख रहा है कि बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी कई महिलाओं से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं उनसे, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं, तो अजमेर का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। झुनझुनवाला जी एक उद्योगपति हैं और राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कदम था, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद और प्यार उनको मिल रहा है, आपको लगता है राजनीति में कितना कुछ कर पाएंगे झुनझुनवाला? मेरे ख्याल से बहुत कुछ कर पाएंगे। देखिए, व्यापारी परिवार से आने के तौर पर पहले देखा जाए, मौके लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत मिलते हैं, बहुत जरिए होते हैं, लेकिन राजनीति एक ऐसा जरिया है जहाँ पर जो लोगों की रीच है बहुत ज़्यादा है, उनको पैसे का या किसी का कुछ ग्रीड नहीं है। अगर यहाँ पे आए हैं, साफ दिल से आए हैं, सिर्फ जनता के लिए सेवा भाव से काम करने के लिए आए हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। और जैसे आप देखेंगे, जब से अजमेर में आए हैं, आप देख सकते हैं लोगों का समर्थन जो उनको मिल रहा है, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। बड़े कारोबारी हैं, पहले व्यवसाय में भी आपने उनका समर्थन किया, सहयोग किया, और आप राजनीति में जैसे उन्होंने कदम रखा है, तो आप उनसे कदम से कदम मिलाकर पूरा सहयोग कर रही हैं। जब से मैं बच्ची थी, मैंने मेरी मम्मी को राजनीति में देखा है, तो मेरे लिए ये नई चीज़ नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ कि रिजू जी हमेशा आना चाहते थे राजनीति में, उनको ये मौका मिला है पार्टी की तरफ से, और अगर वो जनता के लिए कुछ अच्छा कर पाए तो हम सबके लिए इससे प्राउड कोई मोमेंट नहीं होगा। यार बेटा, आप भी पापा के लिए प्रचार कर रहे हैं आज? जी। अजमेर में लगातार कैंपेनिंग कर रहा है, जनता से वादे कर रहा है कि जनता ने अगर उन्हें मौका दिया तो झुनझुनवाला का पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, एवन न्यूज, अजमेर।